हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओबीएस स्टूडियो की एक सेटिंग्स के बारे में। जैसे कि आप कभी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ओबीएस स्टूडियो से, तो वीडियो दोस्तों आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाता है और आप उसे ढूंढते हैं, सर्च करते हैं तो आपको वीडियो नहीं मिलता है। और इसका प्रॉब्लम दोस्तों है कि आपका जो रिकॉर्डिंग पाथ है वो आपने अभी मैन्युअली सेट नहीं किया है, वो दोस्तों डिफ़ॉल्ट सेट हो रखा है। ऐसे आपने इसमें आकर के वीडियो रिकॉर्ड किया तो वीडियो दोस्तों ऑटोमेटिक जा करके सेव हो जाता है आपकी इस पीसी में, यानी यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और आप अगर ढूंढते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ। तो इसके लिए दोस्तों बेसिकली आपको आ जाना है अपने ओबीएस स्टूडियो में, और यहाँ पर आने के बाद आपको एक यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओबीएस स्टूडियो का सेटिंग का यहाँ पर एक पूरा नई विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको कई सारे यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे, और उसमें ये दोस्तों आपको फिर कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो आपको बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको स्ट्रीम में आना है और उसके नीचे आपको फिर आउटपुट में आना है, या आप डायरेक्टली आउटपुट में आ सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपको फिर कई सारे ऑप्शंस देखेंगे, जैसे फर्स्ट है आपका स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट है ऑडियो, और अगला है रिप्ले बफर। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे आप रिकॉर्डिंग पे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर फिर कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टाइप, टाइप के नीचे आपको रिकॉर्डिंग पाथ, ये ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेट कर रखा है अपने यूजर्स में, यानी कि यूजर्स में जाना है, पीसी में जाकर के आपको वीडियोज में ओपन बोर्ड में नमक यानी ये फोल्डर में जा करके सेव हो जाएगा। तो दोस्तों रिकॉर्डिंग पाथ का यहाँ पर मतलब होता है कि आपका वीडियो इस फोल्डर में जा करके सेव होगा जो आप यहाँ पर मैन्युअली सेट करेंगे, नहीं तो ये अगर आप मैन्युअली सेट नहीं करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको नॉर्मली क्लिक करना है। तो आपके सामने फिर इस प्रकार का आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर देखो लिखा भी है सिलेक्ट रिकॉर्डिंग डायरेक्टरी, यानी कि जहाँ पर आपका वीडियो सेव होगा। तो मुझे आना नॉर्मली वीडियो सेक्शन पे मैं आता हूँ, या आप इसमें कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन आपको ना दिखे तो आप दिस पीसी में यहाँ पर आपको ये एरो दिख रही है, इसमें क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप मैं चाहूँ तो अपने 3D ऑब्जेक्ट्स में इसमें सेव कर सकता हूँ, या डेस्कटॉप में, या डॉक्यूमेंट्स में, या डाउनलोड में, या म्यूजिक में, या पिक्चर्स वीडियोज में, कहीं पर भी सेव कर सकता हूँ। तो नॉर्मली मैं वीडियो सेक्शन पे आता हूँ, और यहाँ आने के बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कैप्चर नाम का फोल्डर है तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दूंगा। नॉर्मली मैं अगर वीडियो वाले में सेव करना चाहता हूँ तो वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर मैं सेलेक्ट फोल्डर कर दूंगा, लेकिन वीडियो में भी वीडियो में आने के बाद फिर एक फोल्डर में मेरा वीडियो आकर के सेव होगा। तो मैं कैप्चर यानी कि वीडियो के अंदर भी ये सारे फोल्डर्स हैं, तो इसमें आकर के सेव होगा, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। जब आप कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए लिख जाएगा, आपके ड्राइव सी में यूजर्स में आना है, फिर पीसी के ऑप्शन से जाना है, वीडियोज में कैप्चर कैप्चर नाम का एक फोल्डर, उसमें आपका वीडियो सेव हो जाएगा। और इसको मैं अप्लाई कर दूंगा, और आप अपने केस में ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको ओके कर देंगे। तो आप अगर वीडियो कोई रिकॉर्ड करेंगे तो ये वीडियो आपका रिकॉर्ड होकर के उसी फोल्डर में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको सामने ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस प्रकार से प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, और अगर कुछ भी आपको वीडियो से सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर और अच्छा सीखने को मिला हो यानी कि ज़्यादा इच्छा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।